तो कल तक जो हम लोगों ने बात किया है उसका सार क्या है उसको मैं पहले प्लेस कर देता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग बेसिकली चाह ये रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत चाहना है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, उसके जीने के लिए हमको अपने में क्या करने की जरूरत है, अपने में क्या विकास होने की, डेवलपमेंट होने की जरूरत है, उसको ठीक से हम लोग समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो लिखा है वी आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग आवर सेल्फ। तो हम अपने को विकसित करने के लिए, अपने में गति करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। और गति करने का मतलब यही है कि हम अपने में गति करके अपने में तृप्ति पूर्वक जी सके, निरंतर तृप्ति पूर्वक जी सके, निरंतर सुख पूर्वक जी सके। इस आशय से इन एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें दो मुख्य बातें हैं, एक तो अपने में समझ को विकसित करने की बात है और दूसरा अपने भाव विचार को व्यवस्थित करने की बात है, जो सहज स्वाभाविक भाव है उसको अपने में सुनिश्चित करने की बात है। अभी तक हमने बहुत सारे अन्यथा भाव अपने में इकट्ठे कर रखे हैं संस्कार के रूप में, उनको देखने की भी आवश्यकता है और उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है। उसमें जो ठीक है उसको हमको बनाए रखना बनता है, जो ठीक नहीं है वो तो विदा करते ही करेंगे ही, क्योंकि उससे हमको दुखी मिल रहा है, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। तो उसके दृष्टि से हम लोगों ने जो पीएचबी के कोर्स में पढ़ा है उस पर बहुत सारा एक्सप्लोरेशन हम लोग करते रहे हैं। तो ये पता लगा कि अगर निरंतर सुख से हम जीना चाहते हैं तो एक तो हमको सही समझ की आवश्यकता है, जो अपने आप में सुनिश्चित होनी है, स्वयं में सुनिश्चित होनी है। दूसरा, हमको सही भाव और विचार की आवश्यकता है, जो भी अपने आप में सुनिश्चित होनी है, स्वयं में सुनिश्चित होना है। और तीसरा, हमको इस बात की योग्यता विकसित करने की जरूरत है कि हम परस्परता में सही व्यवहार कर सकें, सही जी सकें, और सही जीने को फैलाएंगे तो सही व्यवहार कर सकें, कार्य कर सकें, व्यवस्था में भागीदारी कर सकें। इतना काम हमको करना जरूरी है। तो इन एक्सरसाइज के माध्यम से इस पर हम लोग काम करेंगे और इसमें भी दो चीजों पर फोकस करेंगे, है ना? एक तो अपने में सही समझ सुनिश्चित हो जाए और दूसरा अपने में सही भाव और विचार सुनिश्चित हो जाए। इतना हो जाएगा तो हम अपने में सुखी रह सकते हैं, निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो अपने में समझ को फैला कर देखेंगे तो हमको पूरा अस्तित्व समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा जीना पूरे अस्तित्व तक फैला हुआ है। इस पर बहुत सारी बात हम लोग किए ही हैं UHB 1 में ही। तो पूरा अस्तित्व हमको समझ में आ जाए और उसको फैला कर देखेंगे तो अपने से शुरू करके अपने शरीर को समझने का काम, परिवार को, समाज को समझने का काम, और अंततोगत्वा पूरी प्रकृति और पूरे अस्तित्व को समझने का काम हमको अपने में करना है। और ये काम स्वयं में होने वाला है, शरीर के जगह नहीं होने वाला है, स्वयं में होने वाला है। और दूसरा, एक बार समझ हमारी सही हो जाए तो हम अपने में सही भाव और सही विचार को स्वयं के लेवल पर, सेल्फ के लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर सुनिश्चित कर सकें। तो अभी देखेंगे तो हम लोग इन दो कामों को मुख्य रूप से करेंगे, अपने में सही समझ को सुनिश्चित करने के लिए, अपने में सही भाव और विचार को सुनिश्चित करने के लिए। और ये भी देखेंगे कि इतना अगर सुनिश्चित हो जाए तो हम हर क्षण अपने में संगीत में रह सकते हैं, आराम में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो उसको बहुत तार तार करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम समझने जाते हैं तो चीजों को जो है देखना जरूरी है, और देखने जाते हैं तो उन पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए ध्यान देने से काम शुरू करेंगे। और ध्यान देने की जब हम बात करते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो किस वस्तु पर ध्यान देना है, किस वास्तविकता पर ध्यान देना है, और दूसरा किस प्रक्रिया से ध्यान देना है, क्या प्रक्रिया होगी। तो उसको ब्रीफली हम लोगों ने कल मेंशन किया था, मैं उसको फिर से ध्यान दिला देता हूँ। तो जो समझने की, ध्यान देने की वस्तु है वो तो पूरा अस्तित्व है, क्योंकि हमारे को पूरे अस्तित्व के साथ जीना है। हम जी रहे हैं होश में हो चाहे बेहोश में, ठीक, ध्यान देकर जी रहे हैं, बिना ध्यान दिए जी रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं हम, जाने अनजाने पूरे अस्तित्व के साथ।
इसलिए अल्टीमेटली तो पूरे अस्तित्व को समझना है, लेकिन शुरू में हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ध्यान देने का जो वस्तु है वो सब है जिसके साथ हम जी रहे हैं। तो जितना हमारे जीने का फैलाव है उस सबको हमको समझना है। तो ये हमारे ध्यान देने का वस्तु है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया के लिए कहा कि बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ अपने से पूछना है, अपने में जो है जो भी चल रहा है या जो भी वास्तविकताएं हैं उस पर ध्यान देना है, ध्यान देकर देखना है, देखकर समझना है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है उसके प्रति अवेयर होने का है, सजग होने का है, जागरूक होने का है। तो प्रोसेस ऑफ पेइंग अटेंशन इज टू पे यू नो टू बी अवेयर ऑफ वॉट एवर रियालिटी आई वॉन्ट टू परसीव अंडरस्टैंड। सो जस्ट बींग अवेयर, और जब हम उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, उसके प्रति होश में आने का काम कर रहे हैं, उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें यह है कि जब हम देख रहे हैं तो जैसा भी है जो भी है उसको देखना है बिना कोई प्रतिक्रिया के, ना तो उसको बनाए रखने के लिए अभी प्रयास करना है, ना उसको हटाने के लिए प्रयास करना है। ठीक, सिर्फ उसके प्रति होश में रहना है। अभी तक हम बेहोश थे, अभी होश में आ जाए, लेकिन अभी उसको कोई प्रतिक्रिया ना करें। अगर अच्छा है तो बनाए रखने के लिए हड़बड़ी ना करें, अच्छा नहीं है उसको हटाने के लिए हड़बड़ी ना करें, सिर्फ देख लें, देख कर है ना बिना कोई प्रतिक्रिया करे उसको देखने के काम को बनाए रखें। आगे बहुत सारी चीजें अपने आप होंगी, नियति सहज विधि से होती हैं, है ना, अस्तित्व के होने का जो नियम है उसके तहत होंगी, उसके लिए हमको कुछ ज्यादा करना नहीं, हमको तो पहले स्टेप में अवेयर होना है। तो वहां से शुरू कर रहे थे, कल हम लोगों ने इस काम को करने के लिए कहा था, आप लोगों ने किया होगा, इसके संदर्भ में कोई भी एक्सपीरियंस है तो हम लोग सुनेंगे, या कोई प्रश्न है तो उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन और जो थोड़ी बहुत बातें थी वो मैं बता देता हूँ आपको ये ओपन करने के बिफोर, कि अभी देखेंगे तो पूरे अस्तित्व को समझना है, इसलिए उसका तीन भाग है, एक तो जो चैतन्य इकाइयां हैं उनको समझना है, दूसरा जो जड़ इकाइयां हैं उसको समझना है, और अंततः तो पूरे अस्तित्व को समझना है ना, और उसके संदर्भ में शून्य को, व्यापक वस्तु को समझना है। तो इतनी चीजें हमको समझना जरूरी है, और इसीलिए हम इन तीन एक्सरसाइज के माध्यम से तीनों को समझने का काम करेंगे। एक्सरसाइज वन में सेल्फ को समझने का काम करेंगे, कॉन्शियसनेस यूनिट को समझने का काम करेंगे, चैतन्य इकाई को समझने का काम करेंगे। स्टेप दो में हम लोग जड़ इकाइयों को समझने का काम करेंगे, पार्टिकुलरली उसमें शरीर को समझने का काम करेंगे, और स्टेप थ्री में पूरे अस्तित्व को समझने का, अस्तित्व में जो संबंध दिखता है, व्यवस्था दिखती है, उसको समझने का काम ना करना है, तो उस पर ध्यान देने का काम शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू पे ही काम करने वाले हैं, एक्सरसाइज थ्री के बारे में कुछ चीजें ध्यान दिला देंगे ताकि आप अपने पर काम करें, आपकी सूक्ष्मता जैसे जैसे विकसित होगी वैसे वैसे इसको आप और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे के है ना समय में कुछ हम लोग सेशन प्लान कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइज थ्री, पार्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु हैव बीन एबल टू मूव सम यू नो मेक सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर फर्दर यू नो फास्ट फॉरवर्ड। तो इसको देखते, इसमें एक बात और जोड़ा हम लोगों ने कि देखने वाला तो मैं स्वयं हूँ, शरीर को या आंख को माध्यम की तरह प्रयोग करता हूँ, इसलिए सारा देखने का काम तो सेल्फ के द्वारा ही होगा, आवश्यकता अनुसार आंख को शरीर को प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक, तो देखने वाला मैं हूं, ये बात मुख्य रूप से अभी कही हम लोगों ने, इसके साथ देखते हैं। तो इतना काम हमको करना है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है, मैं के द्वारा मैं को देखना है, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना है एक्सरसाइज वन में, एक्सरसाइज दो में स्वयं के द्वारा शरीर को देखना है, और शरीर के माध्यम से फिर धीरे धीरे हमको मेटीरियल वर्ल्ड के संदर्भ में देखना है, एक्सरसाइज तीन में सेल्फ के द्वारा पूरे अस्तित्व को देखना है, और उसमें भी खास करके स्पेस को देखना। तो इतना काम हम लोग को करना है,
इसको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। इसमें स्टेप वन के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात शुरू किया है, एक्सरसाइज वन के संदर्भ में और उसमें भी स्टेप वन के संदर्भ में। इसमें यह भी बात कहा हम लोगों ने, ये महत्वपूर्ण बात है जिसको कभी समय होगा तो थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, कि अभी हमारा सारा जीना बाहर से जुड़ा हुआ है ना, बाहर ही हम फोकस किए रहते हैं। अभी तक के अपने लाइफ को देखेंगे तो यही चल रहा है कि बाहर चीजें ठीक हो जाएं, बाहर चीजें अनुकूल हो जाएं, इसी में लगे हैं। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये ध्यान जाता है कि ध्यान तो बाहर भी देना है लेकिन अंदर भी देना है, तो अपने तरफ ध्यान देने का काम शुरू हो जाए, ये जरूरी है। एक बार अपने में ध्यान जाएगा, अपने में काम शुरू होगा, हम चीजों को समझ पाएंगे तो बाहर भी ठीक से जी पाएंगे, बाहर भी संबंध को ठीक से पहचान पाएंगे, निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन पहले अपने में सही समझ, सही भाव विचार सुनिश्चित होना जरूरी है। ये जो नोइंग एंड एज्यूमिंग का काम है वो सेल्फ में हो जाए ठीक से, ठीक, तो फिर हम परस्परता में जीने के संदर्भ में भी अपने व्यवहार कार्य को ठीक करने का सोच सकते हैं, उसका स्वीकृति बन सकता है, वो बन जाए और बाहर अवसर हो तो फिर धीरे धीरे हम लोग अपने जीने को ज्यादा संगीत में ज्यादा सुखी बना सकते हैं। तो उसके साथ अपने में अपने को देखने का काम शुरू किया था, और उसके संदर्भ में ये कहा कि ये जो देखने का काम है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक तरीका है ना, सही पर ध्यान देने का, सही को समझने का, एकमात्र तरीका नहीं है, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका ही है। तो इस स्वीकृति के साथ हम लोग उसको आगे देखने का काम शुरू किए थे, और ये भी कहा था कि जो स्टेप्स की बात कर रहे हैं, ये स्टेप्स तो कोई बहुत सैक्रोसेंट नहीं है, हमारी स्थिति, आपकी स्थिति, हम सबकी जो स्थिति गति है उसको ध्यान में रखकर इन स्टेप्स को डेवलप किया गया है, उस पर हम लोग अभी प्रयोग व्यवहार करके देख रहे हैं। अभी तक के रिजल्ट्स जो है इनकरेजिंग रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जो जरूरत है, अगर आप ध्यान दिलाएंगे तो हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप खुद उसको प्रयोग करके देख सकते हैं तो बिल्कुल करें। तो ये प्रोसेस है जो एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है हमको ध्यान देने के लिए, है ना, उससे हम अपने में ध्यान देकर गति कर सकते हैं, बट ये एकमात्र तरीका नहीं है, इज वन ऑफ द वे टू डू इट। इतने के साथ अभी जब स्वयं के द्वारा ध्यान देने जाते हैं तो ये दिखता है कि अगर हमको देखना है स्वयं को, तो देखने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि हम अपनी कल्पनातीतता को देखना शुरू करें। जो भी हमारी कल्पनातीतता में चल रहा है वो चल ही रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया तो हम देख नहीं पाते हैं, अगर ध्यान देंगे तो देख पाएंगे। ठीक, तो जो भी चल रहा है उसको हम देखने का काम अपने में शुरुआत करना चाहें तो हम अपनी कल्पनाशीलता से शुरू कर सकते हैं, और अगर कल्पनाशीलता को देख रहे हैं अपने खुद, तो उसमें हमको शरीर की आवश्यकता है कि नहीं, आंख की आवश्यकता है कि नहीं, साधनों के रूप में ये देखने की बात है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये पता लगता है कि भाई हमको अपने में देखने का काम अगर करना है, अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को, तो हम खुद ही अपने में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमको शरीर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमको आंखों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको आराम दे सकते। तो जिन स्थिति में भी, जिन पोस्चर में भी आराम में रह सकते हैं, उसी स्थिति में उनको रख दिया जाए और अपना काम ठीक से शुरू किया जाए। तो इसके साथ हम ये सात स्टेप्स पर बात हम लोग शुरू किए थे, उसमें पहले स्टेप पर कल बात हुई थी, आपको अभ्यास करने के लिए किया था, कहा था, आपने किया होगा, उसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, और इस पर कोई प्रश्न है तो उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो पहले स्टेप में हमको सिर्फ इतना ही करना है कि इस क्षण मेरे में जो भी कल्पना चिंता चल रही है, जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है, जो भी भाव विचार चल रहा है, उस पर ध्यान देना है, उसके प्रति होश में आना है, उसके प्रति जागरूक होना है बिना कोई रिएक्शन के, इतना काम है।
बहुत सिंपल काम है, मैं उसको और सिंपल ढंग से रखने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान उस पर चला जाए और काम शुरू हो जाए। तो जो भी वास्तविकता है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसके प्रति अवेयर होना है, ऐसा स्टेप वन का काम है। अभी चूंकि हमको स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है, और स्वयं को देखने का काम अपनी कल्पना चिंता को देखने से शुरू किया जा सकता है आसानी से, इसलिए हम वहां से शुरू कर रहे हैं कि हमारी कल्पना चिंता में इस क्षण जो भी चल रहा है उसके प्रति हम होश हैं, उसमें हैं, उसके प्रति हम जागरूक और उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको देख रहे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। आगे क्या करेंगे उसको हम देखेंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं इतना पक्का है। तो इतना काम था एक्सरसाइज वन के स्टेप वन में। इसके नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप वन है ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इसलिए है क्योंकि ध्यान देने का काम करना है, ध्यान देके देखना है। ध्यान देने की क्षमता हमारे में है ही पहले से, सिर्फ निर्णय भर करना है कि हमको ध्यान देना है। जब निर्णय कर लेते हैं कि हमको इस वस्तु पर ध्यान देना है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है तो हम देख ही पाते हैं क्योंकि वो क्षमता हमारे में पहले से ही। इस अर्थ में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस अर्थ में कि अगर स्टेप वन का काम नहीं हुआ तो आगे के स्टेप्स पर काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले स्टेप से शुरू करना जरूरी है आगे के स्टेप पर काम करना चाहते हैं तो भी। जिस भी चीज के साथ हम आगे काम करना चाहते हैं अगर उसके प्रति हम होश में नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते ठीक से, इसलिए उसके साथ आगे कर नहीं सकते। तो पहला स्टेप जो है सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इस पहले स्टेप पे हम लोग को काम जारी रखना है। तो इस क्षण मेरी कल्पना चिंता में जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, स्थूल चल रहा है, सूक्ष्म चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, उस पर ध्यान देना है बिना कोई प्रतिक्रिया के। तो इतना काम हम लोग को करना है, इतना काम हम लोगों ने कल शुरू किया था, आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था।